हेलो हाय एंड नमस्ते एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे होंगे। तो आज भी हम लोग महेंद्र नगर में ही हैं। अभी शाम के करीब 5 बज रखे हैं और मौसम की बात करें तो बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और बाहर निकलना भी मुश्किल हो रहा, बाहर आते पसीने पसीने हो रहे हैं। तो अभी हम रेडी हो रखे हैं यहाँ के लोकल मार्केट के लिए। तो वहाँ आने से पहले एक बार मार्केट में घूमना भी थोड़ा थोड़ा ज़रूरी है, और पॉसिबल हो पाएगा तो यहाँ पे जो टूरिस्ट एरिया वहाँ पे भी जाएंगे। बहुत सारे वहाँ पे लोग आते हैं वहाँ पे देखने के लिए। अगर वहाँ पे जाते नहीं जाते अभी नहीं पता, तो अभी हम घर से निकलने की तैयारी में हैं। तो चलिए चलते हैं एक बार मार्केट की तरफ। तो आज मेरी फ्रेंड भी आ रखी है यहाँ पे मिलने के लिए आ रखे हैं। और ये यूँ कह रहे हिंदी बोलना नहीं आता, वीडियो मत बना। सेम डिजाइन क्या को लेना सुंगर को? तो इस टाइम हम आ रखे हैं यहाँ पे हमारे घर के सामने ही, थोड़ा सा आगे जाके म्यूजियम है, पुरखों की चीज़ों को स्टोर करके दिखाया हुआ है। देखते हैं अंदर जाके टिकट कितने का है। टिकट तो लेना होगा जहाँ पे इतना खर्चा करके म्यूजियम बना रखा है। शो तो आप लोगों को मैं, यहाँ पे टिकट सिस्टम है, पर पर्सन 100 रुपीज। तो यहाँ पे स्विमिंग पूल है, ऐसे कर सकते हैं। स्विमिंग पूल का 100 रुपीज, 100 रुपये नहीं देख रही ना, 100 रुपीज पर पर्सन है। इसका भी अलग से देना होगा इसमें। तो अब हाथ नहीं लगाते ना बेटा। तो ये है यहाँ का म्यूजियम हाउस, इस तरीका का है। और यहाँ पे बच्चों के लिए छाते छाते लगाए हुए हैं। और ये देख सकते हो, यहाँ पे फ़ोटो भी खींच सकते हैं। ये है यहाँ का हेलीकॉप्टर, इसमें भी हम लोग फ़ोटो खींच सकते हैं अच्छे से। पे हम पसीने पसीने हो गए, ये देख सकते हो सारा पसीना पसीना। गोदी नहीं बेटा, विशु इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही। एक बार अंदर चलते हैं और अंदर भी हमें बहुत चीज़ें देखने को मिलेगी। इसके बाद हम जा रहे हैं सेकंड फ्लोर में। तो यहाँ पे ये देख सकते हो, ये है जो उधम सिंह नगर में राणा थारू रहते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे भी राणा थारू रहते हैं। राणा थारू का पोशाक है, मतलब उसी हिसाब से यहाँ पे सजा के रखा है। इसी तरह यहाँ पे भी अपने अपने जैसे जाति के अनुसार उसी हिसाब से पोशाक लगाया हुआ है। तो हम आ चुके हैं। अरे निकल खींच दिया बंदा, यहाँ ला इसका बंदा निकल। चलो घूम, बहुत सारे और भी आ रखे हैं देखने के लिए।
शॉपिंग करने के बाद अब हम जा रहे हैं यहाँ पे चाउमीन पसल चाउमीन खाने के लिए। तो यहाँ पे हमारा मस्त वाला नाश्ता हो गया है और इसके बाद अभी भी शॉपिंग पूरी नहीं हो रखी है, तो हम यहाँ पे लोकल मार्केट में हैं। और तो यहाँ पे हमने ड्यू पिया था, तो यहाँ पे कंचे के सीसी में मिलता है और गुन्नू पी नहीं सकता है, तो इसने अपने पानी में पानी वाली बोतल में डाल दिया है। यही पर ये फिर से जा रहे हैं हम बच्चों के कपड़े लेने के लिए, देखते हैं अगर गुन्नू के मिल जाए तो अच्छी बात है। कल तेरे वाईफाई कहाँ देखी चल रहे हो लो ला बोला आए यहाँ तो दसरी लाए बीशु की मैं खाना बनाने की तैयारी कद्दू कटिंग और चाचा देखो फोन चला रहे, वाईफाई का भरपूर फायदा उठा रहे हैं। यहाँ पे जो मेरी फ्रेंड थी वो चली गई थी, अभी शाम के 7:30 बज रखे हैं तो, और दीपेश जा रहे हैं थोड़ा आगे बादाम शेक पीने के लिए, तो ये अभी भाई क्रिकेट खेल के आया है, तो ये बोल रहा कि एक बार उस दिन की वीडियो में आपने देखा होगा कि इसने खिलाया था, यूँ कह रहे उस दिन मैंने खिलाया, आज तू खिलाने चल और कल तो तू चली जाएगी घर के, ऐसा बोल रहा है। तो एक बार चलते हैं बाहर शाम के टाइम पे, पैदल जाएंगे क्योंकि हमारे घर से घर के पास में ही है मार्केट, मैं भी जाऊंगा। तो यहाँ पे गुन्नू रात को नहीं जाता क्योंकि बाहर बाबा भूत चुड़ैल भी होते हैं। हाँ मैं आपके लिए कुछ लेने जा रही हूँ ना, चीज बोल वाली। तो चलिए बाहर हो चुका है अंदर छा दिल बो। रात में चंद्रमा भी आ गया है और यहाँ पे दीपेश हम साइकिल से आ रखे हैं और इस पे बैठ के आई थी मैं। ये कपड़े की शॉप खुली है, एक बार मैं देख लेती हूँ अपने लिए लोअर वगैरह यहाँ से। हम लोगों ने बादाम शेक वगैरह पी लिया है और अब हम जा रहे हैं घर। तो ये दीपेश पीछे से आ रहा साइकिल में और यहाँ पे मैंने गुन्नू के लिए एप्पल क्योंकि वो यहाँ पे कुछ भी ज़्यादा नहीं खा रहा है, इसलिए ऐसे तो यहाँ पे सारे शॉप बंद हो चुके हैं, बस 2-4 ही शॉप खुले हुए हैं अभी जो खाना पीने के नाश्ते वाले हैं वो